आज मेरे साथ है कश्मीर क्राउन के एडिटर इन चीफ शाहिद इमरान, जिन पे लगातार पिछले कुछ दिनों से इल्ज़ाम लग रहे हैं कश्मीर क्राउन पे कि वो एक्सटॉर्शन का पैसा इस्तेमाल करते हैं और जो लोगों के नाम से फंड्स लेते हैं उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। मेरे साथ वो आज बातचीत करने के लिए हैं। और चलिए शाहिद साहब का बहुत बहुत स्वागत है। शाहिद भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगातार कश्मीर क्राउन और शाहिद इमरान पे इल्ज़ाम लगते हैं। जिस कश्मीर में शाहिद इमरान और कश्मीर क्राउन हमेशा बात करता था कि कश्मीर क्राउन और शाहिद इमरान कश्मीर की आवाज़, आज उसी कश्मीर में आप पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, किस तरह देखते हैं इन सबको आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसूद साहब, सबसे पहले आपके जितने भी व्यूवर्स हमें देख रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया और मेरी तरफ से उनको मोहब्बत भरी सलाम। जहाँ तक कश्मीर क्राउन का ताल्लुक है, यकीनन जैसे आपने अपने अल्फाज के दौरान कहा कि कश्मीर क्राउन कश्मीर की आवाज़ है, यकीनन जब एक बेबाक बेखौफ आवाज किसी भी इलाके से, मोहल्ले से, गांव से, शहर से, गली से उठती है तो वो आवाज़ एक इनकलाब की बात करती है, वो आवाज़ एक एहसास दिलाता है, वो आवाज़ एक नए अंदाज और अल्फाज का चुनाव करती है जी। तो यकीनन उस आवाज को खामोश करने के लिए, दबाने के लिए, ये अगर आप पास भी देखें जितनी भी आज तक कौमें आई हैं या हमें भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जब भी हक के हवाले से किसी ने बात की है उनके खिलाफ वक्त वक्त पर मुखालफीन जो हैं जिनकी तादाद बहुत कम होती है, मैं बार बार ये कहता हूँ कि हमारे समाज में लगभग 99% लोग जो हैं वो एक मुस्बत सोच रखते हैं, उनका एक अच्छा अंदाज है, पॉजिटिविटी है, अपने समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनकी तादाद भले ही बहुत ज़्यादा होती है लेकिन बुरे लोगों का इम्पैक्ट रहता है। प्रोपेगेंडा हमेशा एक सोसाइटी को तबाह बर्बाद कर देता है, तो मैं इसे सिर्फ एक प्रोपेगेंडा मानता हूँ चंद मखसूस लोगों का। ये कुछ लोग हैं जिन्होंने पहले तो मैं ये कहूंगा कि जिनका सहाफत के साथ दूर दूर का वास्ता नहीं है, जिनको शायद अगर आप जर्नलिज्म की स्पेलिंग कहेंगे तो उनको पता ही नहीं होगा। उन मखसूस लोगों का शायद हमारी वजह से एडवर्टीजमेंट मार्केट पे असर पड़ा है, शायद कश्मीर क्राउन के 30 लाख फॉलोअर्स उनके लिए चैलेंज है, शायद बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा लोगों में मारूफ और मशहूर होना उनके लिए प्रॉब्लम है। तो यकीनन जो लोग इस वक्त प्रिंट मीडिया के हवाले से बात करते हैं और हमें एक फेसबुक पेज के नाम से पुकारते हैं, मुझे बहुत ही हंसी आ रही है कि सबसे बड़ा डिजिटल नेटवर्क और हमारा न्यूज़पेपर भी है, और मैं ओपनली कहता हूं कि अब सरकार को भी चाहिए कि वो न्यूज़ प्रिंट को कम से कम बंद ही कर दें, क्योंकि आजकल के दौर में कोई अखबार पढ़ता नहीं है, इस पे अब पैसे आप जाया करते हैं एडवर्टीजमेंट का, बेहतर है कि आप ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करें सो दैट कि ये जो 30 अखबार निकालने वाले या 40 दफ्तरों में जाने वाले इनके न्यूज़पेपर्स हैं ये भी समझ जाएं कि आज नया दौर है, नया इनकलाब आया है, और इस रेवोल्यूशन में अगर किसी का टैलेंट और अगर लोग किसी को चाहते हैं, किसी की आवाज़ उनको बेबाक और बेखौफ आवाज़ पसंद है, तो उनको ये एहसास होना चाहिए कि बुजदिली से पीछे आप पीठ पीछे वार करके बहादुर इंसान को कभी नहीं हरा सकते हैं। आप एक बहादुर इंसान, मैं कहता हूँ कि बड़े लोग बदलेबाज नहीं होते हैं, हम उनसे बदला नहीं ले सकते हैं, लेकिन अल्लाह की अदालत में हमेशा इंसाफ है, वहाँ पे हमेशा एक वो मुनसिब बैठा है जो दुनिया को चलाता है, जो दुनिया की रीत को चलाता है, जो सूरज अपने वक्त पे सूरज अपने वक्त पे निकलता है और उसका एक गुरूब होने का भी वक्त होता है, ये वो ज़ात है जो पाक है। और कश्मीर क्राउन पे इल्ज़ाम लगते हैं कि जितने भी आप फंड जमा करते हैं गरीबों के नाम पे उसका आप गलत इस्तेमाल करते हैं। और ये भी खबर चली पिछले दिनों कि कश्मीर क्राउन के जो एसोसिएट एडिटर हैं आशिक मीर, उनको रंगे हाथों 1 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ा, ये कहां तक सच है? क्या ये खबर, इस पे जो ये खबर चल रही है इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए आई कांट बी प्रिजुडिस,
आई हैव ऑर्डर्ड एन इंक्वायरी, मैंने एक इंक्वायरी ऑर्डर की है रिसेंटली, जो आप बात कर रहे हैं जिस इंसिडेंट के हवाले से. आई हैव टेकन ए सीरियस नोट ऑफ इट सिंस आई डोंट नो अबाउट दिस इंसिडेंट व्हाट हैज हैपेंड एक्चुअली. आई एम वेरी सीरियस अबाउट दिस इशू. बड़ी संजीदगी के साथ मैंने एक मीटिंग आज भी बुलाई है कि आखिरकार ये जो मसला है इसके पीछे वजह क्या है. जितने भी वजूहात हैं इंशाल्लाह आई प्रॉमिस यू दैट मैं आपके साथ इस मामले के हवाले से बात भी करूंगा. FIR बाज़ाब्ता तौर पर पुलिस ने दर्ज की है, तो उसमें जितनी भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं या जितनी भी डेवलपमेंट्स होंगी आई विल डेफिनेटली कम टू यू एंड आई विल लेट यू नो व्हाट एवर विल हैपन. सिंस सो फार आई हैव टेकन अ सीरियस नोट ऑफ इट एंड आई हैव एज एन एडिटर इन चीफ फॉर कश्मीर क्राउन मीडिया ग्रुप आई हैव ऑर्डर्ड एन इंक्वायरी इन दिस इंसिडेंट एंड आई विल बी वेरी मच स्ट्रिक्ट. इफ समबडी इन आवर टीम और समवन हमारी टीम में से जो भी लड़के हमारे साथ काम कर रहे हैं अगर ऐसी एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व होते हैं तो यकीनन मैं एक वो एडिटर हूं जो किसी को बख्शेगा नहीं. आई हैव बीन टॉट एंड ब्रॉट अप थ्रू द मॉल स्टैंडर्ड्स. जो पहले मैं बात करता हूं आला अकदार की, किरदार की, मैं कौम के सामने हमेशा एक इखलाक की बात करता हूं, तो मैं ऐसे मामलात को ना बर्दाश्त कर सकता हूं ना इंशाल्लाह मैं आने वाले कल में भी करूंगा. जैसे आपने कहा कि कश्मीर क्राउन किसी भी गलत काम का साथ नहीं देता है, अगर आपके एसोसिएट एडिटर को पकड़ा हुआ है उसके साथ कश्मीर क्राउन का नाम जोड़ा जाता है और शाहिद इमरान का नाम जोड़ा जाता है, क्या आपको लगता है कि अगर किसी भी मीडिया हाउस का एम्प्लॉय गलत करता है तो ज़रूरी है उस मीडिया हाउस का बदनाम करना, या फिर आपको जितना भी आपका नाम या कश्मीर क्राउन का नाम सुर्खियों में है क्या आपको लगता है ये कोई साजिश चल रही है आपके खिलाफ? देखिए मसूद भाई, एक्चुअली प्रॉब्लम यही है कि वी एज एन इंस्टीट्यूशन, एक मीडिया फ्रेटर्निटी, आज वो लोग खुद जलील खार हो गए जो लोग ऐसा करते हैं, जो अपने ही लोगों के पीछे ऐसे प्रोपेगेंडा चलाते हैं जिसका कोई बुनियाद ही नहीं होता, जिसका कोई बेस ही नहीं होता है. आप खुद देख सकते हैं कि अगर हमारे मेंबर में से किसी एक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड बिलीव इन द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, वी शुड बिलीव इन जुडिशरी, तो उसके साथ मेरा फोटो भी लगाया जाता है, आपने खुद देखा होगा, उसके साथ कश्मीर क्राउन भी लगाया जाता है. तो दिस सीम्स टू बी अ प्रोपेगेंडा, और मुझे यकीन है कि ये जो हम उनको कुछ नहीं कर सकते हैं. जो लोग भी हमारे खिलाफ इस वक्त चंद मखसूस हैं, पूरी कश्मीर से हमें कॉल्स आ रही हैं, इज्जत मिल रही है, एहतराम इकराम, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं अपनी कौम का. मैं बार बार ये कहता हूं कि जितनी इज्जत उन्होंने हमें दी है, जितना भरोसा उन्होंने हमें दिया है, वो शायद मैं कभी उम्मीद भी नहीं कर सकता था. लेकिन इसके खिलाफ एक बड़ी साजिश चल रही है मेरे ख्याल में. मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड भी कई बातें जो है वो कहूँगा, ऑन द रिकॉर्ड चूँकि अगर मैं अपने लब कुशाई करूँ तो मेरे ख्याल में बहुत सारे जलजले आएंगे, और इंशाल्लाह अज़ीज़ आने वाले वक्त पे उन सब साजिशों के हवाले से हम चुप नहीं रहने वाले हैं. उन्होंने शुरू किया है, हम इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, और उस लेवल पे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे जहां पे हम प्रोफेशनल एथिक्स को मद्देनज़र रखते हुए अपने जो हमारे कोड्स होते हैं जर्नलिज्म में उसका भी ख्याल रखेंगे, न कि ये कि हम पूरी फ्रेटर्निटी को इन्वॉल्व करेंगे या किसी इदारे को डैमेज करेंगे. इसके पीछे वजह बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इस वक्त मैं आपको तमाम वजूहात नहीं बता सकता हूँ. शाहिद भाई, मैं ये भी जानना चाहूँगा, बहुत सारे मीडिया हाउसेस कश्मीर में हैं जो शाहिद इमरान पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि शाहिद इमरान ने 1500 से एक नौकरी शुरू की थी, आज उसके पास 1500 करोड़ रुपए हैं, और ये वही पैसे हैं जिसने जो शाहिद इमरान ने गरीबों के नाम पे जमा किए और फिर अपने फ़ायदे के लिए उनको इस्तेमाल किया, और वो पैसे लेके आज शाहिद इमरान करोड़ों का मालिक कश्मीर में है. क्या आपको लगता है कि ये सच है जो आप पे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं? सबसे पहले मैं ज़ाती तौर पर कह दूं कि मेरे पास काश 1,000,000 इस वक्त अकाउंट में होते, मेरे अपने पर्सनल अकाउंट में या मेरे जितने भी रिलेशंस में उनके अकाउंट में 1,000,000 होते, जो मेरी इमीडिएट रिलेशंस हैं. लेकिन शुक्र खुदा का एंसेस्ट्रल लैंड के हवाले से वो कोई भी जानता है यहाँ पे, जो भी मेरे करीब दोस्त हैं उनसे आप पूछ सकते हैं कि
what is my ancestral property and what about my assets and all. Lekin mera zati taur par main aapko ye keh dun ki main is jo insaan apni qaum ke liye buzdil insaan apni qaum ke liye khoon ka atiya kabhi nahi karega. Main openly keh deta hu jo buzdil log hote hain unko ye dard nahi hoti hai ki wo mai siam ke dauran apni team ko leke apne jawanon ko leke volunteers ko leke एक तहरीक चलाएं कि मासियाम के दौरान कोई खून नहीं देता है तो हमें चाहिए कि हम अपनी कौम के बच्चों के लिए खून दें. जो इंसान खून का अतिया कर रहा हो सबसे बड़ी बात है कि जहां पे आपका सबसे बड़ा टेस्ट होता है तो वो इंसान अब कौम के साथ धोखा करे. और दूसरी बात यह है कि जो जहां तक आपने कश्मीर क्राउन ट्रस्ट की बात की, कश्मीर क्राउन ट्रस्ट एक डिफरेंट इदारा है जो हम सिर्फ महज इसलिए चलाते हैं क्योंकि कश्मीर क्राउन मीडिया ग्रुप पे हमें बहुत ज्यादा इनकम कैपेसिटी जो लोगों की ग्रीवियंसेस हैं वो बहुत ज्यादा आती थी. तो तब जाके हमने फिर सोचा कि हम कश्मीर क्राउन मीडिया के जरिए ही लोगों की मदद करें, उनकी स्टोरीज करें. तो उस दौरान कई एक स्टोरीज हमने की तो उन स्टोरीज में लोगों का जो फंड रेज है वो शायद हद से ज्यादा होने लगा जिसके बाद कई एक स्कॉलर्स जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, उन्होंने मुझे मशवरा दिया, मेरे करीबी दोस्त उन्होंने मशवरा दिया कि जुडिशियस और रैशनल यूज इन फंड्स का करने के लिए एक इदारा जरूर होना चाहिए. और ये इदारा रजिस्टर्ड इदारा है. इस इदारे के जरिए फिर हमने लोगों की तकालीफ जो है उस टाइम उस स्टोरी के जरिए हम सिर्फ एक इंडिविजुअल फैमिली की मदद कर सकते थे एक स्टोरी चलाने की वजह से. उसके बाद हम जो भी स्टोरी चलाते हैं उसका डिस्क्लेमर होता है, उसका बाज़ाब्ता तौर पर एफिडेविट लिया जाता है कि आपकी नीड अगर 5 लाख रुपए है आपको हम 6 लाख देंगे, 7 लाख देंगे, 10 लाख देंगे. अगर आपकी नीड 1 लाख है 2 लाख लीजिए आप, लेकिन करोड़पति बनाने के लिए ये बिल्कुल भी गलत नैरेटिव हम सोसाइटी में कायम नहीं करेंगे. मैंने ये ओपनली, ये मेरा नजरिया है, आप अपना नजरिया रखिए, दूसरे जो लोग हैं जो मखसूस एक तबका है वो अपना नजरिया रख सकते हैं, वो अपने नजरिए से मुझे हरा सकते हैं, वो ट्रस्ट नहीं चला सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं. मैंने अपना नजरिया इस अंदाज से चला लिया कि मैं कोई अमिताभ बच्चन की तरह गेम खेलने वाला बंदा नहीं हूं कि मैं अपनी स्टोरी पे किसी को करोड़पति बना के कल बरोज मैशर अल्लाह के सामने हाजिर होना है. मुझे जवाब देना है कि अगर आपने किसी को करोड़पति बनाया था, वो दूसरी माँ जिसका चूल्हा नहीं जलता था, तो उस माँ, वही माँ बरोज मैशर मुझे सामने आके कहेगी कि फलानी फैमिली को आपकी वजह से आपने करोड़पति बनाया था लेकिन मेरा चूल्हा नहीं जलता था. ट्रस्ट के जरिए आज तक हमने लगभग हजारों की तादाद में फैमिलीज को रिहैबिलिटेट किया है, हमने लिवलीहुड प्रोवाइड किया है, हमने मैरिज की हैं, हमने ऑर्फनेज जो यतीमों के घर हैं वो तामीर किए हैं. मसूद भाई, हमने आज तक करीबन 12 कंस्ट्रक्शन जो है हाउसेस की, वो ये लोग कहते हैं 1.9 करोड़, इन लोगों की फिगर्स भी पहले गलत हैं, 1.9 करोड़ ये कहते हैं. हमने 12 मकान तामीर किए हैं आज तक यतीमों के, अगर 10-10 लाख ही एक मकान पे स्पेंड हो जाएगा 12 मकानों पे कितना हो जाएगा, तो इनके फिगर्स भी गलत हैं. हमने आज तक 30 शादियां की हैं, हमने आज तक 128 पेशेंट्स को आज तक इलाज कराया है, हमने लगभग 500 के करीब पुअर फैमिलीज को आज तक रिहैबिलिटेट किया है, हम दर्जनों की तादाद में मंथली बेनिफिशरीज हैं हमारे. तो अब बार बार इस चीज का रिपीटेशन आप यकीन नहीं करेंगे मसूद भाई, मैं कभी कभार रात की तन्हाइयों में सोचता हूं कि काश इन बुजदिलों में से एक बंदा मेरी जगह पे एक दिन खड़ा हो जाए, काश एक दिन मैं इनको चैलेंज देता हूं, एक दिन मैं खुद एक दिन में 100 कॉल्स जो है वो रिसीव करता हूं सिर्फ हेल्प के लिए. हमारे ऑफिस में ऑन एन एवरेज 60 लोग आते हैं, ऑन एन एवरेज. अगर उन 60 लोगों में से हम सिर्फ 15 या 20 लोगों को 1-1 हजार ही देंगे तो दिन में कम से कम 20-30 हजार रुपए हमारा एक्सपेंसेस होता है उन गरीब फैमिलीज पे, तो मंथली वो लगभग 7-8 लाख रुपए होता है. तो हमारे ट्रस्ट को 2 साल हो गए, आप खुद सोचिएगा कि ये कितना बड़ा आज तक हमने हेल्प किया है लोगों को, इनको पता ही नहीं है, इन्होंने किसी की जिंदगी तब्दील ही नहीं किया आज तक.
कश्मीर क्राउन ने बहुत सारे अच्छे काम भी किए, लेकिन उसके साथ साथ कश्मीर वैली में कश्मीर क्राउन ने बहुत सारे लोगों को एक्सपोज किया, जिसमें एक्सपोज डॉक्टर्स थे या एक्सपोज पीर हैं, उन सब लोगों को कश्मीर क्राउन ने एक्सपोज किया और बहुत बुरी तरह से पब्लिक के सामने उनकी बेइज्जती हुई। क्या आपको लगता है उसी से कश्मीर क्राउन के खिलाफ जो है दुश्मन खड़े हुए और आज वही कॉन्स्पिरेसी खेल रहे हैं कश्मीर क्राउन की आवाज़ दबाने के लिए? क्या इसमें ऐसा कुछ लग रहा है आपको? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है मसूद भाई कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि हम वो लोग हैं जो सीने पे गोली खाना पसंद करेंगे, लेकिन बुजदिलों का साथ नहीं देंगे, इन डाकुओं का साथ नहीं देंगे। वो हो ही नहीं सकता। चाहे मेरे सीने में जब तक आखिरी सांस है तब तक हम हक की बात करेंगे, तब तक हम मजलूम के साथ खड़ा होके उनकी आवाज उठाएंगे। ये मैं आज भी कहता था, कल भी कहता था। जो टीम अपनी शुरुआत बिस्मिल्लाह से करती हो, जिनको रब का साथ हो, मेरे ख्याल में वो टीम कभी धोखा नहीं कर सकती है, कभी धोखा नहीं कर सकती अपनी कौम के साथ। इनको हमसे यही प्रॉब्लम है कि हम अगेंस्ट द वेव जाते हैं, इनको हमसे यही प्रॉब्लम है कि हम कौम को उस राह पे ले जाना चाहते हैं जहां पे हम एक दूसरे का दर्द बांटें, हम कौम को उस मंजिल की तरफ ले जाना चाहते हैं जहां पे हम एक मुआशरा बने, जहां पे हम एक कौम बने। ये इस कौम को एक हुजूम बनाना चाहते हैं। मुझे हुजूम के साथ कोई गर्ज नहीं है। अगर हमारे साथ 1000 लोग ही ऐसे हों जो किरदार और इखलाक वाले हों, मेरे ख्याल में वो उस हुजूम से बेहतर है जो प्रोपेगेंडा चलाते हों, जो किसी की इज्जत रीजी के हवाले से फॉल्स और फ्रिवलस एग्जाम्पल्स देते हों। तो मेरे ख्याल में वो दूसरी बात यह है, देखिए जैसा कि आपने कहा कि एक नैरेटिव जो है वो सेट किया जा रहा है ऐसे मीडिया में। वी आर कलीग्स, हमें एक दूसरे को देख के इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। मसूद भाई को देख के मुझे एक कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए कि मसूद भाई जैसी एंकरिंग करते हैं, जैसे इन्होंने अपने इदारे को बिल्ड किया है, मुझे भी चाहिए कि मैं अपना इदारा ऐसा बनाऊं। आई शुड बी रोल मॉडल फॉर देम, यू शुड बी रोल मॉडल फॉर नेक्स्ट जनरेशन। कल को जनरेशन जो आने वाली है वो यूट्यूब पे आपका एक्सपोजे देखे, वो यूट्यूब पे कल आपका आपकी कोई अच्छी स्टोरी देखे, इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी देखे, वो कल ये देखे कि देखिए हमारे जो जर्नलिस्ट हैं, हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, देखिए इन्होंने कौम में क्या मिसालें पैदा की हैं। हमें अपनी कौम के लिए मिसालें बनना है, ना कि कल हम अपनी वायरल रिकॉर्डिंग सुन के वो लोग हमारा मजाक उठाएंगे, वो लोग कल ये कहेंगे कि ये लोग आई डोंट हैव वर्ड्स। शाहिद भाई, जब आपने कश्मीर क्राउन शुरू किया तो कश्मीर क्राउन ने डिजिटल मीडिया में कश्मीर में बहुत अहम रोल प्ले किया और बहुत बदलाव आया। आपके 1.1 मिलियन के आसपास फॉलोवर्स हैं और कश्मीर क्राउन की आवाज़ हर कश्मीर के उस घर तक पहुंची जहां तक अखबार नहीं पहुंच सकता है, यानी कि अगर प्रिंट मीडिया खबर छपती है तो शायद उन गाँवों में, उन देहातों में शायद वो अखबार ना पहुँच पाए, लेकिन आपकी कश्मीर क्राउन की आवाज़ पहुँचती है। और ऐसे में जब कश्मीर क्राउन जहाँ पे सच कहता है और कश्मीर क्राउन की आवाज़ दबाई जाती है जैसे आपने कहा, कि आपको लगता है कि भारत में बहुत सारे ऐसे मीडिया हाउसेज हैं जो सरकार के खिलाफ लिखते हैं, अगर सरकार कोई गलत काम करती है और वो मीडिया हाउसेज उसके खिलाफ लिखते हैं, छापते हैं और बोलते हैं, और बहुत सारे ऐसे केसेस हमने देखे उन मीडिया हाउस को बंद कर दिया गया, क्या आपको लगता है जैसे आज कश्मीर क्राउन के साथ हो रहा है, कल को अगर इसी तरह कश्मीर क्राउन की तरह किसी और मीडिया हाउस जो सच बोलता है उसके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की जाएगी, उसकी आवाज़ दबाई जाएगी, तो फ्यूचर में जो पब्लिक है, जो इस टाइम आम जनता देख रही है चुपचाप करके, अगर इसी तरह जो मीडिया हाउसेस हैं जो सच बोलते हैं उनकी आवाज़ दबाई जाएगी तो फ्यूचर में क्या होगा? देखिए मसूद भाई, आपका बहुत ही अच्छा सवाल है, ये बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन मुझे लगा कि अगर ऐसा ही होता रहा कि मैंने किसी फेक डॉक्टर को एक्सपोज किया, फॉर एग्जाम्पल कल को वो फेक डॉक्टर किसी 4-5 लोगों के साथ मिलके एक प्रोपेगेंडा चलाए कश्मीर क्राउन के खिलाफ, या किसी भी इंसान को जिसका जो माफियाज हैं वो एक मखसूस मीडिया के साथ मिलके, एक 2-3 लोग मीडिया के लोगों से मिलके एक प्रोपेगेंडा चलाना शुरू कर दें, तो मेरे ख्याल में ये गलत नैरेटिव सेट हो रहा है। वी शुड वेक अप, दिस अ वेक अप कॉल फॉर ऑल द जर्नलिस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, पर्टिकुलरली द जर्नलिस्ट who have integrity, who just believe that we are born to do the journalism, we are born to bring a change in the society, we have responsibility to be the role models for our society, we have to raise the voice for the people.
सो उनके लिए बड़ा चैलेंज एक बन रहा है, क्योंकि कल को दो चार लोग आके आपके खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं मसूद भाई, क्योंकि दो चार लोग मिलके अगर आपने उनके खिलाफ स्टोरी किया, वो आपको फॉल्स और फ्रिवलस केस भी बना सकते हैं कल को, वो आपके खिलाफ किसी थाने में जाके FIR भी कटवा सकते हैं। तो यकीनन ऐसा जो नैरेटिव सेट हो रहा है तो ये एक गलत नैरेटिव सेट हो रहा है, बट इंशाल्लाह आई एम श्योर, मैंने आपको पहले ही बोला है कि कम से कम मैं इसको बर्दाश्त नहीं होने दूंगा। आई हैव इनफ कैपेबिलिटी, आई हैव इनफ टैलेंट टू एक्सपोज ऑल ऑफ देम, और इंशाल्लाह जरूर जीत हमेशा अच्छाई सच्चाई और भलाई की होती है, जीत हमेशा बहादुर इंसान की होती है। बुजदिल का काम होता है कि वो आपको पीछे से वार करके चला जाए, बुजदिल का काम होता है कि वो आपके खिलाफ साजिश करे। बहादुर इंसान जो होता है वो बदलेबाज नहीं होता है, बहादुर इंसान हमेशा कौम को एक सबक दे के जाता है, बहादुर इंसान कौम के लिए एक मिसाल पैदा करके जाता है, बहादुर इंसान हमेशा कौम की जिंदगियां बदलता है, बहादुर इंसान हमेशा अपने कौम की तकदीर और तकरीर जो है वो सेट करके जाता है, बहादुर इंसान हमेशा अपनी कौम के लिए एक नजरिया पैदा करता है। कश्मीर क्राउन और शाहिद इमरान का काम देख के मैं भी खुश हुआ, और जिस तरह आप काम करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं, आपकी अगर आप लोगों तक तो कोई खबर पहुंचाते हैं उसके बाद उस गरीब फैमिली की मदद भी होती है, और मैं जिस तरह आप काम करते हैं मैं चाहता हूं और हज़ार शाहिद इमरान बने और हिंदुस्तान में इसी तरह सच का साथ दें और सच्चा जर्नलिज्म करें ताकि हमारा हिंदुस्तान आगे जाए। लेकिन जब लोग मुसीबतों में थे आपने उनका साथ दिया, आपने उनको उस मुसीबत से निकाला, आज जब शाहिद इमरान मुसीबत में है, शाहिद इमरान पे अलग अलग इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, बहुत सारे मीडिया हाउसेज कश्मीर में हैं जो आपके खिलाफ गलत गलत दिख रहे हैं, आज हमारे चैनल के माध्यम से जो आपको देख रहे हैं व्यूवर्स, उनको क्या कहना चाहें, क्या मैसेज देंगे आप, और किस तरह वो लोग आपकी सपोर्ट करेंगे ताकि शाहिद इमरान इस इम्तिहान से पास हो जाए और जो दुश्मन है उनके उनको मुंह तोड़ जवाब दें। मसूद भाई, सबसे पहले मैं मुसीबत में नहीं हूं, इंशाल्लाह मैंने आपको पहले ही बोला कि ये जो फॉल्स प्रोपेगेंडा होता है इसकी ज्यादा देर तक उम्र नहीं होती है। मसूद भाई, सबसे पहले जितने भी लोग हमारे 99% सब्सक्राइबर्स जो हैं, क्योंकि क्रिटिक्स होते हैं और क्रिटिक्स से इंसान की जिंदगी संवरती है, इंसान की जो गलतियां लग्जिशें होती है क्रिटिक्स की वजह से आप उनको सुधारते हैं, लेकिन क्रिटिक्स उस हद तक होनी चाहिए जिसमें आप गाली ना दें। पहले जो इंसान गाली देता है उस इंसान का किरदार और इखलाक वहीं से पता चलता है कि उस इंसान वो इंसान मुआशरे के लिए कितना बेनिफिशियल होगा, या मुआशरे को वो इंसान गाली के बगैर कुछ नहीं दे सकता है। और दूसरी बात ये है कि जो हमारे 99% सब्सक्राइबर्स हैं या कश्मीरी लोग हैं, मैं अल्लाह को वाहिद शायद कह के कहता हूं कि वो वाकई फरिश्ता सिफत इंसान है। ये कौम एक सादा कौम है, ये कौम एक वो कौम है जिन्होंने हमेशा अच्छाई और भलाई का साथ दिया है, लेकिन 1% लोग जो होते हैं उनका इम्पैक्ट रहता है। मैंने पहले ही कहा आपको, मैं आपको ये बता दूं कि मुझे आज लोलाब से एक नाबीना इंसान ने कॉल करके रोया, वो बहुत रोया, बोला कि मैं सड़क पे आ जाता लेकिन मुझे लेने वाला कोई नहीं है, मैं आपके लिए रोता सड़कों पे, क्योंकि हमने उनकी मदद की थी। मैंने उनको बहुत समझाया, मैंने बोला कि वैसा कुछ भी नहीं है, मुझे इस्लामाबाद से कॉल्स आई, रजौरी से कॉल्स आई, बहुत सारे इलाकों से कॉल्स आई, नौजवान खासकर जो यूथ है, आई एम हेयर फॉर यूथ, टेल मी, आई बिलीव इन माई यूथ, आई स्वर अपॉन अल्लाह, आई एम टेलिंग यू फ्रेंकली दैट राइट नाउ आई एम वर्किंग फॉर द यूथ ऑफ JNK, राइट नाउ इफ समबडी इज देयर एज अ करेज फॉर मी, एज अ कॉन्फिडेंस फॉर मी, वो यहाँ का यूथ है, वो यहाँ का टीनेजर है, वो यहाँ की जो जनरेशन हैं वो हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से सपोर्ट दिया मुझे, उन्होंने जिस तरह से मुझ पर हौसला रखा। मैं आज यहाँ से श्रीनगर के लाल चौक से जा रहा था, शोपियन के 4-5 लड़के आ गए, उनने मुझसे सेल्फी ली, वो बहुत हर्ट हुए थे। मैंने बोला व्हाई आर यू हर्ट, बोला कि सर हमें बहुत दुख लगता है, बहुत दुख लगता है कि ये जो लोग साजिशें करते हैं ये बेनकाब होंगे। मैंने उनको कहा कि ये पहले ही बेनकाब हो चुके हैं, अब इनको अल्लाह की बारगाह में छोड़ देते हैं, क्योंकि हम बदलेबाज नहीं हैं, जो ये साजिशें करते हैं हमारे खिलाफ, तो इंशाल्लाह अल्लाह इनको जवाब जरूर देगा। दूसरी बात यह है मसूद भाई, देखिए ये काम जो आप कहते हैं ना कि कश्मीर क्राउन ट्रस्ट और किसी की जिंदगी बदलना,
मसूद भाई, मैं अल्लाह को वाहिद शाहिद कह के कहता हूँ, ये आसान काम नहीं है, इसमें बड़ी काट है, इसमें बड़ी काट है मसूद भाई। इसमें रात के 2 बजे आपको बकरवालों के उन बच्चों की खबर लेनी है जो कुलगाम की पहाड़ियों पर 2 बच्चे मर गए 12 घंटे के अंदर अंदर, और उन बकरवालों की खबर लेने के लिए उस वक्त कोई नहीं था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में, कोई नहीं था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में। ये बड़ी काट है, ये जिंदगी बदलना, ऐसे जिंदगी नहीं बदल सकते मसूद भाई। इसमें रात के 2 बजे -17 में जाके मैं और मेरी टीम के 2 मेंबर्स, हालांकि मेरी अपनी टीम जो है उन्होंने भी उस वक्त थोड़ा सा वो लेत लाली, एक कहते हैं ना कि लेजीपन दिखाया, लेकिन मुझ में हौसला था, उन्होंने मेरा फॉलो किया। 2 किलोमीटर पैदल हम चले, उन बकरवालों को 2 बजे हम पहुंच गए वहां पे, 2 बच्चे मर गए थे 2 घंटे 12 घंटे के अंदर अंदर। हमने उनको शिफ्ट किया, हमने उनको उन घरों में रखा, हमने उनको 6 माह तक राशन, 6 माह तक रेंट फ्री किया। ये कौम को ये चीजें भूलनी नहीं चाहिए, कौम को उस कदर का को भूलना नहीं चाहिए जिसके जनाजे के लिए हमने लोगों के घर जाना पड़ा कि आप इनका जनाजा आप पढ़ लीजिए। ये चीजें हमने भूलनी नहीं है मसूद भाई। मैं बरोज मैशर जवाब देना है, बरोज मैशर शाहिद इमरान को अल्लाह के सामने हाजिर होना है। ये इसमें बड़ी काट है, बड़ी परेशानियां हैं, बड़ी तकालीफ है। मुझे ताइफ की गलियां भी बीच में याद आ रही है मसूद भाई, मुझे वो गलियां याद आ रही हैं जिसमें मेरे रोल मॉडल को बहुत ज्यादा सताया गया, फिर वही मेरा वो इंस्पिरेशन, वही मेरा ड्राइविंग फोर्स रहता है। कभी कभी आप यकीन नहीं करें, मैं भी इंसान हूं, मैं भी हर्ट हो जाता हूं जब लोग लिखते हैं, लोगों के कमेंट से हर्ट हो जाता हूं, लेकिन फिर याद करता हूं, फिर दुनिया की बड़ी बड़ी तहरीकें मुझे याद आती हैं, मुझे वो कबीलों में बटी हुई बस्ती मदीना की, वो अरब की याद आती है। फिर कैसे एक हमारा रोल मॉडल उन कबीलों में बटी हुई बस्ती को मिलाने के लिए, तो इसी तरह से हम भी बटे हुए हैं। एक शाहिद इमरान क्या, यहाँ पे हजारों शाहिद इमरान हैं, लेकिन इस तरह से अगर हमने नरेटिव सेट किए, बहुत लोग चाहते हैं कि हम काम करें समाज के लिए, लेकिन मसूद भाई इस काम में मैंने पहले ही कहा कि बहुत सारी तकालीफ हैं। जिंदगी बदलने के लिए आपको बहुत सारे इल्जाम लेने हैं, मैं लेता हूं अपने सर, लेकिन ये काम, ये नेक मिशन, ये नेकी का मिशन जो है इंशाल्लाह आखिरी सांस तक जारी रहेगा। शाहिद भाई, कश्मीर में बहुत अच्छा काम करते हैं और हमारी फुल सपोर्ट आपके साथ है, और हम जम्मू कश्मीर के आला अफसरान से गुजारिश करते हैं जो आपके केस को हैंडल कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि आपकी जो केस की इंक्वायरी हो वो पब्लिक डोमेन में हो और उस इंक्वायरी में कोई भी किसी का फेवर ना किया जाए और फेयर इंक्वायरी हो, ताकि तमाम कश्मीर देख पाए कि शाहिद इमरान और कश्मीर क्राउन पे जो इल्ज़ाम लग रहे हैं वो सही हैं या गलत है। और हम उम्मीद करते हैं जितने भी इल्ज़ाम कश्मीर क्राउन पे लग रहे हैं वो सारे गलत होंगे और आप फिर से इस इम्तिहान से पास होकर अपने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। इंशाल्लाह अजीज। देखिए, कई लोग मसूद भाई मुझे कहते हैं कि नहीं, आप ठीक है, अपने फैसले रब पे छोड़ दीजिए और आपको अल्लाह को जवाब देना है। तो ठीक है, मैं सोचता हूँ कि ठीक है, अगर मुझे अल्लाह को जवाब देना है तो फिर ये लोग मुझसे जवाब क्यों मांग रहे हैं। तो लेकिन दुनिया का दस्तूर है कि अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं, लोगों के लिए करते हैं, तो आपको अल्लाह के साथ साथ लोगों को भी जवाब देना होता है। मैंने आज ही एक दोस्त से बात की, बोला अल्लाह को जवाब देना है। मैंने बोला ठीक है भाई, फिर लोग क्यों मुझसे जवाब मांगते हैं? फिर मुझे बरोज मैशर अल्लाह के सामने हाजिर होना है, तो वहां पे मेरा रब मुझसे पूछेगा कि बताएं क्या किया आपने अपने लोगों के लिए। तो यही है कि दुख तो होता है इंसान, हर्ट होता है इंसान कि आप अच्छा काम करते हैं, लेकिन फिर जो भी आज तक दुनिया में एक अजीम कौमें बनी हैं, एक अजीम कौमों का तकदीर ऐसे नहीं बनता है, आराम से नहीं बनता है, कंफर्ट जोन में रह के नहीं बनता है। मसूद भाई, आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, आपको कुलगाम की गलियों में जाना है, आपको पहाड़ियों पर चलना है, आपको ये खाक जो है गलियों की वो आपको हासिल करनी है, तब जाके इंसान एक अजीम कौम का ख्वाब देख सकता है, एक आला अकदार, आला किरदार वाली कौम बना सकता है। एटलीस्ट मेरी कंट्रीब्यूशन कम से कम ये रहेगी कि अगर मैं पूरी जिंदगी में, पूरे जर्नलिज्म के दौरान, हमने बहुत ज्यादा अखबार लिखे हैं, 16-16 पेज हम रोज लिखते हैं, हम 16-16 पेज, फिर उन्होंने कहा, इनका कहना था, फिर उमर अब्दुल्ला का कहना था, फिर महबूबा मुफ्ती ने कहा, ये पेजेस हम भरते रहते हैं। लेकिन आपसे भी पूछा जाएगा आपकी जिंदगी में कल को, जब आपको उस दुनिया में जाना है,
आपसे भी पूछा जाएगा, बताएं इन अखबारों के जरिए आपने क्या किया है, क्या बदला है। तो यही, अगर आप किसी की जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं, अगर आप किसी के आंसू पहुंच सकते हैं, ठीक है। अगर सरकार नहीं पहुंच सकती है, वी आर वॉच डॉग्स, वी विल नॉट लेट एनीथिंग टू गो अनअटेंडेड इन आवर सोसाइटी। बट अगर सरकार नहीं पहुंच रही है तो आप खुद बनो ना वहां पे, खुद बदलाव लाओ। कांट यू मेक ए चेंज इन योर सोसाइटी? इफ यू हैव टू ब्रिंग ए चेंज, यू हैव टू बी द चेंज। सो मेरा नजरिया है अपना, ये अपना नजरिया रखें। इनको मेरे नजरिए से प्रॉब्लम है, इनको ये प्रॉब्लम है कि अगर ये जर्नलिस्ट है तो ये सोशल एक्टिविस्ट क्यों है? अगर ये जर्नलिस्ट है तो ये इन गरीबों के पीछे क्यों लगा है? ये अमीरों की महफिल छोड़ के, गुपकार छोड़ के, सुनवार छोड़ के, गवर्नर हाउस छोड़ के, ये उन कुपवारा और गांधरबल की गलियों में क्या कर रहा है? तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है मसूद भाई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, लेकिन इंशाल्लाह हम अपने मिशन पे डटे रहेंगे। और मैं अंत में पूछना चाहूंगा, शाहिद इमरान और कश्मीर क्राउन, अब इस मरहले से निकलने के बाद आगे कश्मीर क्राउन का अगला स्टेप क्या होगा? कश्मीर में क्या करने वाला है कश्मीर क्राउन? इंशाल्लाह अजीज, आगे जो हमने आज तक नहीं किया है, आगे हम वो करने वाले हैं। और इंशाल्लाह मैं आगे, मेरा जो नेक्स्ट मिशन है, I want to produce at least a team of 100 journalists in Kashmir, जो next हमारा mission है। At least ऐसे 100 journalists को मैं train करूं जिनको वाकई ये पता चले कि what is journalism all about। ये journalism होता क्या है? ये सिर्फ आप केवल जय कुमार की mass communication in India जो book है उस पे, उसको पढ़ने से आप journalism नहीं सीखते हैं। आप जो ब्रॉडकास्टिंग और या लॉज ऑफ मीडिया जो हमें पढ़ाए जाते हैं हमारे जर्नलिज्म के दौरान, ये वो नहीं है जो आपको यूनिवर्सिटीज के दौरान पढ़ाया जाता है। यू हैव टू बी प्रैक्टिकल इन लाइफ, एंड नए दौर में यू हैव टू बी नया। आजकल के दौर में यू डोंट हैव टू बी ट्रेडिशनल, यू हैव टू ब्रिंग योर ओपिनियंस, यू हैव टू बी वेरी मच सीरियस अबाउट द इशूज विच आर इन आवर सोसाइटी। आपको ये इशूज खुद सॉल्व करने हैं, आप क्यों वेट कर रहे हैं किसी और का? बी द चेंज, बी योर सेल्फ। बदलाव की शुरुआत आपसे हो। तो इंशाल्लाह मैं एक 100 जर्नलिस्ट की एक टीम को ट्रेन करने में अपना पूरा ताउन करूंगा। आई विल टीच दम माई सेल्फ, दैट्स माई अनदर ड्रीम। एंड दोज 100 जर्नलिस्ट शुड बिकम द वॉरियर्स, और ऐसे सोल्जर्स को बनने चाहिए जर्नलिज्म में जो वाकई इंशाल्लाह जो भी जर्नलिज्म की तहरीक इस वक्त हमने छेड़ी है उसको आगे बढ़ाएं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मसूद भाई। ये थे मेरे साथ शाहिद इमरान, जो कश्मीर क्राउन के एडिटर इन चीफ हैं और कश्मीर क्राउन ट्रस्ट भी ये संभालते हैं। इनका कहना है कि बहुत सारी लड़कियों की शादियां की, बहुत सारे गरीब को घर दिए, और उसके साथ साथ लगभग 500 से ज़्यादा जो गरीब फैमिली है उनको रिहैबिलिटेट किया, और बहुत सारे गरीबों की आज भी मदद करते हैं। और कश्मीर क्राउन का पेज खोल के आप देख सकते हैं कि शाहिद इमरान और कश्मीर क्राउन की पूरी टीम जो है किस तरह काम कर रही है। शाहिद इमरान का कहना है कि मैंने ऐसे स्कैंडल एक्सपोज़ किए जिसकी वजह से मेरे दुश्मन खड़े हुए, आज वही दुश्मन कॉन्स्परेसी खेल के कश्मीर क्राउन की आवाज़ दबा रहे हैं। अब आप लोगों तक है कि कश्मीर क्राउन की जो सच्चाई है वो कश्मीर क्राउन के पेज पे है, और कश्मीर क्राउन जो काम कर रहा है, मुझे उम्मीद है शाहिद इमरान और कश्मीर क्राउन की टीम जितना भी काम कर रही है, जितना पैसा इन्वेस्ट कर रही है या जितना भी पैसा उनके पास आता है, वो पैसा वो कागज़ी कार्रवाई करते होंगे, कागज़ी लिखत पढ़त करने के बाद ही वो लोग लोगों को मदद करते होंगे, और वो सरकार तक जितनी भी सरकार उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और मुझे ये उम्मीद है शाहिद इमरान पर कि सारे कागजात शाहिद इमरान उन तक सरकार तक पहुंचाएगा और अपने आप को निर्दोष साबित करेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि कश्मीर क्राउन के खिलाफ जो साजिशें चलाई जा रही हैं क्या वो सही है या झूठ है।